नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए 16 फरवरी 2023 को फाल्गुन मास के अंतर्गत एक एकादशी पर्व का यह व्रत जिसका नाम विजया एकादशी है। यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाया जाता है। सप्त अन्न युक्त घट स्थापन किया जाता है जिसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति रखी जाती है। इस तिथि को 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है और समस्त कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह व्रत 16 फरवरी 2023 को है और इस दिन सप्ताह रूप एकादशी भाव में अनेक प्रकार की विजय लाभ की प्राप्ति होती है। यह शुभदायक व्रत करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान नारायण का ध्यान करें। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानिगम्यम वंदे विष्णु भवर्णम सर्वलोके किनार्थम। ऐसे पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य से भगवान नारायण का ध्यान करें और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कहते हैं इस दिन भगवान नारायण के पाठ करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से या अनेक प्रकार के कमल नेत्र है, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, ऐसे ध्यान करने से घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन संपदा की वृद्धि होती है, यशमान की वृद्धि होती है, अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। आप सभी को इस व्रत की शुभकामनाएं और मनोइच्छा रूप से आप इस व्रत को कीजिए। भगवान नारायण आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।